नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी और पूरी। तो देख सकते हैं, मैंने आलू को बिठा दिया है कुकर पे और यहाँ पे मैंने आटा लिया है। आटा को मैं गूंथ लूँगी। तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया है और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद फिर मैं आटे में नमक अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के फिर मैं आटा को गूंथूंगी। तो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के आटा को गूंथ रही हूँ। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आटा को गूंथ लेना है। और देखिए, यहाँ मैंने गूंथ लिया आटे को। अब ढक के रख दूंगी 10 मिनट तक। और यहाँ देखिए, मैंने आलू को उबाल के छील लिया है। और यहाँ पे कुछ मटर लिए हैं मैंने, हरा मटर। हरा मटर को भी मैंने छील के धो लिया है। और देखिए, मैंने कढ़ाई बिठा दिया है गैस के चूल्हे पे। कढ़ाई को गरम करना है। कढ़ाई जब अच्छे से गरम हो जाए फिर मैं इसमें तेल डालूँगी, सरसों का तेल डालूँगी मैं इसमें, कि आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो देख सकते हैं, मैंने तेल गरम किया। फिर मैं मटर और आलू को डाल के इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो देख सकते हैं, आलू मटर को डाल दिया है और नमक डाल दिया है मैंने थोड़ा सा स्वाद अनुसार। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डालूंगी। हल्दी डालने के बाद फिर इसको भूनूंगी। भूनने के बाद लास्ट में मैं मिर्च पाउडर डाल दूंगी। मिर्च पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा भून के फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो को देख सको। तो देख सकते हैं, मैं यहाँ पर काली मिर्च लिया है मैंने और थोड़ा सा धनिया। इसको मैं भून लूँगी। तभी तो मैं इसको भून रही हूँ, धनिया और काली मिर्च को। काली मिर्च और धनिया जब थोड़ा भून जाए उसके बाद मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी। जीरा को मैंने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि जीरा जल्दी ही जल जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है। अब इसको पीस लूंगी। तो देख सकते हैं, मैंने पीस लिया है और सब्जी मेरी लगभग तैयार हो गई है। अब मैं इसमें जो मसाला मैंने पीस के रखा था उसको डाल दूँगी। तो देख सकते हैं, सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। लास्ट में जब इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए फिर मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के फिर गैस ऑफ कर दूंगी। इसके बाद मैं पूरी को तलूंगी। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप भी आलू और पूरी बनाना। सिंपल आलू की सब्जी है और साथ में पूरी है, आप इसको झटपट बना सकते हो। तो देख सकते हैं, सब्जी मेरी तैयार हो गई है। अब मैं छोटा छोटा करके पूरी को बना लूँगी। तो देख सकते हैं, मैंने पूरी को यहाँ पे बेल लिया है। और यहाँ देखिए, कढ़ाई भी मेरी बिठा दिया था मैंने कढ़ाई को, और यहाँ तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके पूरी को तल लूँगी। तो देख सकते हैं, मैंने डाल दिया है इस यहाँ पर पूरी। देखिए मैं पूरी को किस तरीके से तल दे रही हूँ। ऐसे साइड से तेल डालना है और थोड़ा दबा देना है। देखना, पूरी बहुत अच्छे से फूल जाएगा, एकदम गोलगप्पे की तरह। तो देख सकते हैं, पूरी मेरी अच्छे से फूल गई है। अब मैं दूसरा डालूँगी इसमें पूरी। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैं पूरी को डाल रही हूँ। और यहाँ देखिए, पूरी बहुत अच्छे से फुली फुली बन गई है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाना और कमेंट्स में बताना कैसा बना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देख सकते हैं, मेरी पूरी एकदम तैयार है और सब्जी भी तैयार। तो देख सकते हैं, आलू पूरी की सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब हम करेंगे नाश्ता। तो आप भी इस तरीके से आलू पूरी बनाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुद खाना, सबको खिलाना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।